हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ekta-singh.com। फ्रेंड्स, आज मैं आपको राबड़ी के लड्डू बनाना बताऊंगी। ये राबड़ी के लड्डू बहुत ही कम सामान में, चुटकियों में बन जाने वाली मिठाई है। इसमें मावा की ज़रूरत भी नहीं होती है, तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम सामानों में बनने वाली चीज़ है। इस होली आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पर। तो आइए देखिए कैसे बनता है राबड़ी के लड्डू। ये देखिए, ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है और 1 कटोरी चीनी लिया है और 1 कटोरी ही मैंने सूजी लिया है, बारीक सूजी लिया है, घी लिया है, ड्राई फ्रूट्स है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं दूध को इसको मतलब मुझे दूध को इतना गाढ़ा करना है कि 1 कटोरी सूजी है तो 3 कटोरी दूध रह जाए, उस हिसाब से उतनी क्वांटिटी मुझे इसको जलाने हैं इस दूध को। तो मैंने गैस ऑन कर दिया है और अब देखिए दूध में से बाल भी आने लगा और ऊपर से मैं मलाई जो है सारे ऐसे कॉर्नर में करते जाऊंगी। तो मुझे इस दूध को थोड़ा सा मतलब गाढ़ा करना है, तो ये 1/3 हो जाएगा उतना मुझे इस दूध को गाढ़ा करना है। और इस तरह मुझे लगातार इसको चलाते रहना है ध्यान से कि कहीं नीचे ना लगे। तो ये देखिए, दूध मेरा काफ़ी गाढ़ा अब हो चुका है और इसे मुझे थोड़ा सा और इसको पकाना है। तो देखिए, दूध का कलर भी बहुत अच्छा हो गया है। आप चाहें तो बाज़ार का भी आप खोआ ले सकते हैं, तो लेकिन मैं घर के दूध को जला के ही ऐसे पसंद करती हूँ मिठाई बनाना। तो ये दूध अब मेरा काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो चुका है और इधर मैं सूजी को थोड़ा फ्राई करूँगी। मैंने एक पेन ले लिया है और उसमें मैं 2 बड़े चम्मच मैं घी डालूँगी। तो आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं घी डाल रही हूँ। और अब मैं इसको सूजी को भूनूंगी। तो मुझे बहुत इस सूजी को एकदम लाल नहीं करना है, लेकिन हाँ इतना भूनना है कि इसका कच्चापन जो है अच्छे से निकल जाए और हल्का सा ये गुलाबी हो जाए, थोड़ा कलर इसका चेंज आए, हो जाए सोना सोना ये लगे। तो इधर मेरी सूजी भुन रही है और मेरा दूध भी देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। मैंने एकदम स्लो कर दिया है गैस के फ्लेम को और ये मेरी सूजी भी अच्छे से भुन चुकी है, इसमें से बहुत अच्छी महक आ रही है। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इस गर्म दूध में मैं डायरेक्ट ही इसको डाल दूंगी। तो मैं देखिए गैस ऑफ करके डायरेक्ट ही सूजी को इस दूध में डाल दूँगी। सूजी अच्छे से फूल जाएगी। देखिए, मैं सारी सूजी को दूध में डाल दिया है और सूजी अब ये जो अच्छे से फूल चुकी है और इस तरह मुझे इसको लगातार ऐसे चलाते रहना है। और अब इसी में मुझे जो एक कटोरी मैंने केसर वाला दूध थोड़ा सा लिया था, अब उसको डालूंगी ताकि इसका कलर जो है चेंज हो जाए और बहुत सुंदर सा कलर हो जाए। तो देखिए, मैंने बताया कि ये बहुत ही आराम से आप चुटकियों में बना सकते हैं, इसमें बहुत ही कम सामान लगता है। और मैंने चीनी भी इसमें 1 कटोरी चीनी भी मैं ऐड कर चुकी हूँ और ये ड्राई फ्रूट भी मैंने ऐड कर दिया। ये बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है, आप इस होली इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बहुत कम समय लेने बनने वाली मिठाई है। आप इसमें चाहें तो मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या नारियल का बूरा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसमें और घी डालूंगी ताकि इसका लड्डू जो है अच्छे से बने। तो इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा करके घी डालना है। तो आप इस तरह इसमें घी डालेंगे तो बहुत ही ये इसका जो टेस्ट होता है मुंह में घुलने वाला होता है, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं इसमें और घी थोड़ा सा डाल दे रही हूँ और इस तरह मैं इसको लगातार चलाते रहूँगी। तो अब ये सूजी जो है अच्छे से, रवा मेरा अच्छे से फूल चुका है और अब मैं इस गैस को बंद कर दूँगी। देखिए कितना अच्छी इसमें महक भी आ रही है और ये मेरा राबड़ी लड्डू का मिक्सचर जो है अच्छे से रेडी हो चुका है। मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ और इसको मुझे दूसरे बर्तन में निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेना है। ये देखिए, ये एकदम ठंडा नहीं है, हल्का सा गर्म है और उसी में मुझे थोड़ा सा हाथों पे घी लगा के मुझे इस तरह गोल गोल लड्डू का शेप देना है।
तो ये देखा ना आपने कि बहुत ही आसानी से आप इसे घर पे बहुत ही इजी तरीके से चुटकियों में बना सकते हैं। इस तरह मुझे गोल गोल शेप देके और उसमें मैं पिस्ता लगा दी हूँ। आप चाहे तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। आप किसी भी तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स, बादाम, कुछ भी लगा के आप इसको डेकोरेट करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह मैं सारे लड्डू को बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए मेरे सारे लड्डू एकदम रेडी हो चुका है, मैंने ऊपर से पिस्ता से इसको सजा लिया है। ये बहुत ही टेस्टी और चुटकी में बनने वाली मिठाई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।